हेलो फ्रेंड्स, 5000 एमसीक्यूज की सीरीज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ओजोन लेयर के बारे में जान लिया था और उससे भी हमने काफ़ी सारे प्रश्न निकाले थे। तो आज हम इन्वायरमेंटल से संबंधित जो हमारी ये दूसरी क्लास है, पर्यावरण के जो 5000 एमसीक्यूज का टारगेट है वो हम लेकर के आए हैं। तो पर्यावरण से संबंधित ये हमारी दूसरी क्लास है और इसमें हम एमसीक्यूज पर चर्चा करेंगे, जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ओके, पर्यावरण से, और उससे संबंधित फैक्ट भी मैं आपको बताता चलूँगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारे सामने पहला प्रश्न है कि पर्यावरण से अभिप्राय है। देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, जो प्रश्न मैं दे रहा हूँ यहाँ पर कोई इसमें नंबर नहीं लिखा है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, क्योंकि नंबर लिखने से एक मानसिकता बैठ जाती है कि मुझे 20 प्रश्न कराने हैं, 25 प्रश्न कराने हैं, 30 प्रश्न कराने हैं, तो वो जल्दी जल्दी भी निपट सकते हैं, है ना। अब जब मैं उसका अगर नंबर दे दूँगा तो सिंपल सी बात है कि जल्दी से जल्दी फिनिश करने की कोशिश करूँगा। ऐसे क्या है, मैं इत्मीनान से आपको सारे फैक्ट भी बताता चलूँगा और ज़रूरी नहीं है कि ये सारे प्रश्न जो हैं ये पूरे ही हो जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट जानने की हम कोशिश करेंगे। आगे क्या, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहला प्रश्न जो आपके सामने है वो लिखा है, पर्यावरण से अभिप्राय है। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, समझिए कि पर्यावरण से अभिप्राय क्या होता है, आखिर पर्यावरण किसको कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर एक है, भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया, ठीक, जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। मींस भूमि हो गया, जल हो गया, पौधे हो गए, वायु हो गई, पशु हो गए, इनकी प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, क्या उसको पर्यावरण हम बोल सकते हैं? ज़रूर बोल सकते हैं। दूसरा देखते हैं, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो जीव को एक समय बिंदु पर घेरे हुए है, ये वाला पॉइंट भी एकदम बढ़िया है, ये भी हो सकता है। भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक, ये सांस्कृतिक होगा, तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। मतलब यहाँ पर क्या बता रहा है, भौतिक क्रिया हो गई, जैविकी क्रिया हो गई, सांस्कृतिक तत्व हो गए, इनकी सबके जो इंटरनल फंक्शन है, इंटरनल फंक्शन का जो सिस्टम है वो भी आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे ए बी सी सत्य हैं। इस प्रकार से हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो पर्यावरण से अभिप्राय आप समझ गए, ठीक, इसके सारे प्रश्न, जिसके सारे हमारे जो पॉइंट हैं वो सभी सही हो जाएंगे। तो इससे संबंधित आप समझ गए होंगे, ठीक। दूसरे प्रश्न पर पढ़ें, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, इसमें लिखा है, पर्यावरण किससे बनता है, ठीक है, पर्यावरण किससे बनता है, पर्यावरण किससे बनेगा। जैविक घटक से, भाई जैविक घटक से तो बनेगा, पर्यावरण के मूल घटकों में आता है जैविक घटक और अजैविक घटक। तो जैविक घटक से पर्यावरण का जो नियम है वो बनता है या पर्यावरण की संरचना होती है। भू आकृतिक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से भी पर्यावरण की संरचना होती है। अजैविक घटक से, उपर्युक्त सभी से। देखिए, अगर हम पर्यावरण की संरचना की बात करें, है ना, पर्यावरण संरचना की बात करें, तो पर्यावरण के अंतर्गत पृथ्वी के जैविक और अजैविक घटक दोनों आते हैं। जैविक घटक क्या होते हैं, जिसके अंतर्गत जंतु आते हैं, वनस्पति आते हैं और सूक्ष्म जीव जितने होते हैं वो सारे आते हैं, ओके, जैविक घटक में। और अजैविक घटक, उपर्युक्त जितने भी चीज हैं, है ना, वो सारे क्या होते हैं, अजैविक घटक होते हैं। अब अजैविक घटक कौन कौन से हो सकते हैं, इसके अंदर स्थल मंडल आ सकता है, वायुमंडल पूरा आ सकता है और जल मंडल पूरा आ सकता है, ठीक, अजैविक घटक में। तो तीनों ही जो पॉइंट है वो आपके सही हो जाएंगे। जैविक घटक भी पर्यावरण के अंतर्गत आएगा, भू आकृतिक घटक भी पर्यावरण के अंतर्गत आएगा और अजैविक घटक भी पर्यावरण के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से आपका जो आंसर होगा वो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ें। चलिए
आगे क्वेश्चन है आपके सामने, हमारे सामने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में पूछ रहे हैं कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है 5 जून को। अब ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। देखिए इसके पीछे एक कारण है, समझिए। आपको पता है या नहीं पता है तो ध्यान कर लेना, 1972 में स्टॉकहोम में, कहाँ पर? स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र संघ, मतलब जो यूएनओ है, यूएनओ द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिस पर पर्यावरण अध्ययन पर बल दिया गया। तो इसी में ही ये कॉन्सेप्ट निकल के आया था कि हर 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे, जो कि 1974 से प्रतिवर्ष स्टार्ट भी हो गया। देखिए 1972 में स्टॉकहोम में ये कॉन्सेप्ट रखा गया और इसकी शुरुआत हुई थी 1974 से। तो 1974 से हम लगातार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। ओके, ध्यान रहेगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस वायु में नहीं पाई जाती है? वायु में नहीं पाई जाती है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से गैसें पाई जाती हैं। याद रखना, वायु में आपकी नाइट्रोजन जो मिलती है वो 78% मिलती है। हम ये संपूर्ण गैसों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर केवल नोबेल गैसों की बात हो रही है, अक्रिय गैसों की बात हो रही है, जिनका जो अष्टक होता है, जिनकी आखिरी कक्षा होती है, वो फिल होती है पूरी तरीके से। तो ये किसी से कोई रिएक्शन नहीं करती हैं, एकदम शुष्क अवस्था में बैठी रहती हैं, उदासीन अवस्था में। तो उन्हीं को नोबेल गैस कहते हैं। अब उन्हीं गैसों में से यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी गैस वायुमंडल में, नोबेल गैस वायु में नहीं पाई जाती है ना। अब देखिए हम ये बता रहे हैं कि कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो 78% आपको नाइट्रोजन मिलती है, ऑक्सीजन 21% मिलती है, इसी प्रकार ऑर्गन 0.9% मिलती है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% के आसपास मिलती है। इसके बाद अल्प मात्रा में आपको हाइड्रोजन भी मिलती है, हीलियम भी मिलती है, आर्गन भी मिलती है, ठीक। यहाँ पर देखिए ये नेडान नहीं होगा, यहाँ पर रेडान होगा, इसको रेडान कर लीजिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है, रेडान। और नियॉन भी मिलती है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, रेडान। ओके, तो नोबेल गैसों में कौन कौन सी मिलती है ये ध्यान रखना, हीलियम मिलती है, आर्गन भी मिलती है, नियॉन भी मिलती है। यहाँ से आपका रेडॉन ऑप्शन ऐसा हो जाएगा जो कि नहीं मिलता है। ओके, आगे बढ़ें, समझ बात आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है। ये देखिए प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है? तो क्षोभ मंडल में पाई जाती है, मध्य मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, आयन मंडल में पाई जाती है। बताना है आपको कि किस मंडल में पाई जाती है। देखिए पृथ्वी की अगर हम बात करें तो जितनी भी मौसमी क्रियाएं हैं वो चाहे बरसात हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपकी होती हैं क्षोभ मंडल में। कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में। इसके बाद जो ओजोन की परत की बात है, ओजोन की जो परत है ये आपकी पाई जाती है समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। तो आप इसको ध्यान कर लेना, समताप मंडल के आगे चाहे तो लिख लो ये ओजोन परत। और ओजोन परत को किसने खोजा था? केबीसी में पूछा गया है, 12 लाख का प्रश्न पूछा गया था कि 1913 में चार्ल्स फैब्री के द्वारा क्या खोजा गया था, ओजोन परत की खोज की गई थी, ध्यान कर लेना, ठीक है। ये केबीसी में प्रश्न पूछा गया है। तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान कर लेना कि ओजोन परत आपको किस मंडल में मिलेगी? समताप मंडल में, ठीक। समताप मंडल में आपको ओजोन परत मिलेगी। आगे बात करें, चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, बहुत ही बढ़िया देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है?
भू परपटी में पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है अर्थक्रस्ट में। तो अर्थक्रस्ट में बताइए सबसे ज़्यादा क्या आपको सिलिका पाया जाता है, सिलिकन पाया जाता है अर्थक्रस्ट में? नहीं, ऑक्सीजन पाया जाता है अर्थक्रस्ट में सबसे ज़्यादा? जी हाँ। एल्युमिनियम? नहीं। लोहा? नहीं। सबसे ज़्यादा अर्थक्रस्ट में आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। कौन सा? ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा आपको अर्थक्रस्ट में मिलेगा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है अर्थक्रस्ट की बात हो रही है, भूपर्पटी में। बात समझ में आ गई? अच्छा, ऑक्सीजन का जो वेट होता है वो कितना होता है? परमाणु क्रमांक 8 होता है। क्या होता है? 8 होता है। O2 इसको लिखा जाता है, इसके दो परमाणु होते हैं। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 और 6 आता है। आखिरी कक्षा इसकी पूरी नहीं है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने पड़ेंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने पड़ेंगे तो ये किसी न किसी का रेडी हो जाएगा, इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता O- के 2 होती है। ठीक, इस पर ऋणात्मक चार्ज होता है। बात समझ में आ गई? तो ये कुछ छोटी सी बातें थी, इनको ध्यान रखना। आगे प्रश्न है, पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद। ठीक, पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? ठीक, पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, डेविस पहला, फिलिथ टेलर, इसके बाद फिलिथ टेलर हो गए, ठीक है, डेविस हो गए, फिलिथ टेलर हो गए, कार्ल रिटर हो गए और विडाल डी लाबलास हो गए। कौन है इसमें से पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक? तो इसका आंसर ध्यान रखना, पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? कार्ल रिटर। ठीक, कार्ल रिटर। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है। ठीक, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है? ध्यान रखना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये 1986 का है, 1986 का है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? कार्ल रिटर। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। जलवायु तथा मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत से संबंधित हैं? अभी हमने बताया कि जो वायुमंडल में क्षोभ मंडल है, ठीक, ये जो परत है क्षोभ मंडल, यहाँ पर सभी मौसम संबंधी क्रियाएं, आंधी का आना, तूफान का आना, ठीक, ये सारी क्रियाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। तो जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो सारी कहाँ घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में। तो आपका मध्य मंडल भी गलत हो जाएगा, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और आयन मंडल भी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है हमारे सामने कि दृश्य प्रकाश में किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? ठीक, दृश्य प्रकाश में किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल। ठीक, अगर ये वाला प्रश्न आपने कहीं देखा नहीं है, कहीं पढ़ा नहीं है, तो आप इसको जल्दी कर नहीं पाएंगे। ठीक, तो ध्यान रखना, जो लाल प्रकाश है इसमें दृश्य प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा होती है, ध्यान रहेगा। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लिखा हुआ है, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। तो पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है, वर्ड ध्यान रखना, अविभाज्य समष्टि, ठीक है, जिसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता, अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। किससे होती है? भौतिक तंत्र से होती है, जैविक तंत्र से होती है, भौतिक एवं जैविक तंत्र दोनों से होती है, या भौतिक जैविक व सांस्कृतिक तत्वों के पारस्परिक क्रियाशील तंत्र से होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तो पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना भौतिक तत्व, जैविक तत्व और सांस्कृतिक तत्व, ठीक, सारे तत्वों के पारस्परिक क्रियाशील से ही होती है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे प्रश्न है हमारे सामने, जीवों का अंकुरण किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है? जीवों के अंकुरण में किस प्रकाश का जो सबसे अधिक है वो प्रभाव होता है, किस रंग के प्रकाश का प्रभाव सबसे अधिक होता है? अभी हमने आपको पीछे ही बताया था कि जो लाल रंग होता है, इस लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा होगी तो अंकुरण भी सबसे तेज किससे निकलेगा? लाल प्रकाश में, ठीक, तो हरा भी नहीं होगा,
नीला भी नहीं होगा, सफ़ेद भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाल प्रकाश। ओके, सिंपल से प्रश्न है। देखिए, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का समूह पाया जाता है इसको हम क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं, स्थलमंडल कहते हैं, ठीक, भूमंडल कहते हैं, स्थलमंडल कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, या जलमंडल कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, इसको क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को हम वायुमंडल बोलते हैं। तो वायुमंडल पूछा जाए कि इसको कहते हैं, पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का समूह है इसको हम वायुमंडल कहते हैं। ओके, आगे बढ़ें। वायुमंडल का जो एक्ट है वो कब का है? 1986 का, ठीक। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक, ये ध्यान रखना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? पर्यावरणीय सुरक्षा से किस एक का संबंध नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। धारणीय विकास का, वनोन्मूलन का, वृक्षारोपण का, या कागज के थैलों के प्रयोग का? अब यहाँ पर देखिए, आपको चारों पॉइंट समझने पड़ेंगे। धारणीय विकास का मतलब क्या होता है? धारणीय विकास का मतलब ये होता है कि मनुष्य के अंदर एक धारणा का विकास होना, ठीक। जैसे कि हम देख सकते हैं, पर्यावरण को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत सारे सम्मेलन हुए, पर्यावरण अनुकूल वातावरण बनाने के लिए बहुत सारे सम्मेलन हुए समय समय पर, हम देखते भी रहते हैं। जैसे कार्बन क्रेडिट का सिस्टम ले लीजिए, पृथ्वी सम्मेलन लीजिए, या फिर टाइगर रिजर्व ले लीजिए, हाथी रिजर्व ले लीजिए, ये सारे हैं क्या? सब इकोसिस्टम को हमें डेवलप करना, इकोसिस्टम में एक रूपता बनाना ही तो हमारा लक्ष्य है। तो जब तक धारणी विकास नहीं होगा तब तक इस चीज़ की कल्पना नहीं की जा सकती। आगे क्या है? वनोन्मूलन, वनोन्मूलन को बाद में बताते हैं। वृक्षारोपण, अब ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक, एक निश्चित परिवेश में सबको रहने लायक एक स्थान देना वृक्षारोपण से ही तो हो सकता है, ठीक, वृक्ष को लगा करके। कागज़ के थैलों का प्रयोग भी क्या है? पर्यावरणीय सुरक्षा से ही संबंधित है भाई। कागज़ के थैलों का, अगर हम, ये कांच नहीं होगा, ये कागज़ होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कागज़ कर लेना। कागज़ के थैलों का भी प्रयोग क्या है? सरकार भी इस पर बढ़ावा दे रही है कि कागज़ के थैलों का ही प्रयोग करें। तो वनोन्मूलन को छोड़ करके भाई, वनों को काटना तो कोई पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित कोई कारक नहीं हुआ ना। तो ध्यान रखना, पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वनोन्मूलन। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये जो प्रश्न है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सतत विकास के लिए आवश्यक है। अब आपको सस्टेनेबल गोल समझना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल समझना पड़ेगा, SDG क्या है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसके लिए पूरा मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा किसी दिन, जिसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में ही थोड़ा समझा देता हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर होता क्या है। देखिए, वर्ष 1992 की अगर हम बात करें, वर्ष 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में एक पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ, जिसको हम क्या जानते हैं? जिसको हम अर्थ समिट के नाम से जानते हैं, जिसको हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं, ठीक। उसी पृथ्वी सम्मेलन में एक एजेंडा 21 लॉन्च किया गया था, और उसी एजेंडा 21 में, यानी कि इसी को हम रियो की घोषणा भी कहते हैं, रियो घोषणा कहते हैं, और इसी घोषणा में सतत विकास के प्रति एक प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी। देखिए, सतत विकास का मतलब होता है सबका विकास, सबका विकास, ठीक। मतलब ये है कि केवल हमें आर्थिक लाभ को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, हमें समाज में सबका विकास करना चाहिए, पर्यावरण का विकास करना चाहिए, मतलब जितनी भी चीज़ें रहती हैं पर्यावरण में उन सब के लिए हमें सोचना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये पहल अपनाई गई थी। इसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को फिक्स किया गया था, कितने? 17। तो इसमें आपका, जैसे कि पहला सस्टेनेबल गोल जो है वो निर्धनता उन्मूलन पर है,
दूसरा जो है ये भुखमरी की समाप्ति पर है, तीसरा जो है वो गुड हेल्थ के लिए है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए है, चौथा जो है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए है, पांचवा लैंगिक समानता के लिए। इस प्रकार से 17 इसके गोल फिक्स किए गए थे। तो ऐसा करूँगा मैं नेक्स्ट क्लास में आपको SDG पूरा पढ़ा दूँगा कि SDG का विकास कैसे हुआ और SDG में कौन कौन से गोल हैं। तो जैव विविधता का संरक्षण भी उसमें है, ठीक ऑप्शन पर हम चर्चा कर रहे हैं, प्रदूषण का निरोध व नियंत्रण भी उसमें है, निर्धनता को घटाना भी है, ठीक ये तो डेवलपमेंट गोल हमारा पहला ही है, निर्धनता का उन्मूलन, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ध्यान रखना नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो सतत विकास पर होगी। सतत विकास बहुत ही पेपर में पूछा जाता है और इसमें फिर हम राज्यों का भी वर्गीकरण करते हैं, भारत में भी ये चीज़ आती है, जैसे कि सतत विकास लक्ष्य भारत का 2019 में भी आया, 20 में भी आया, और इसमें प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, ठीक कि सबसे टॉप पर कौन सा हमारा राज्य रहा, सबसे बॉटम पर कौन सा राज्य रहा, यहाँ से प्रश्न बहुत मात्रा में बनते हैं। ओके, तो होता क्या है कि इसमें एक राज्यों को स्कोर दिया जाता है, ये राज्य के स्तर पर है, राज्यों को स्कोर दिया जाता है और उस स्कोर के आधार पर हम टॉप और बॉटम का पता लगाते हैं कि किस राज्य में सबसे अच्छा विकास लक्ष्य है और किस राज्य में सबसे कम विकास लक्ष्य है, कहाँ पर कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया और कहाँ पर हमें क्या करने की आवश्यकता है। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो SDG पर होगी, SDG पर ही मैं पूरी क्लास आपको दूंगा, ठीक उसके जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ से हमारी जो आज की क्लास होती है वो यहीं पर हम रोकते हैं, ठीक 20-22 मिनट का वीडियो हो गया है, इनफ है इतना, ठीक ये जितने भी मैंने आपको प्रश्न बताए हैं इनको आप फिर से समझिएगा, फिर से देखिएगा और हो सके तो कॉपी पे इसको नोट डाउन जरूर करते जाइएगा। आगे हम इसके प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, ठीक पूरी जो सीरीज है इसको हम ख़त्म करेंगे। अगर आपको हमारी जो क्लास है वो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ करके इसको अपने फ्रेंड्स को बताना ज़रूर, ठीक जितने भी आपके पास ग्रुप है स्टडी संबंधित उन पर शेयर ज़रूर करना। ठीक मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।